हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट क्या है बेटा? हिंदी का है और जिसमें हम पढ़ेंगे बचपन। ठीक है, बचपन जो हम पढ़ रहे हैं पाठ उसी को आगे पढ़ेंगे जो लेखिका का बचपन था। 6th क्लास की है बेटा, भाग 3 से ली गई है और 8 अक्टूबर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती, लेखिका का नाम क्या, कृष्णा सोबती का बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है और अब आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या बदल गया है। तो देखो बेटा, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, ये सब लेखिका बोल रही है। खट्टे मीठे होते थे वो, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। तो बेटा चेस्टनट क्या होता है? जो तुम सिंगाड़ा बोलते हो वो होता है। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में, मतलब वो ऐसे बता रही है कि वो कैसे मज़े ले लेकर उनको खाती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने और जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, अब वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। तो वो बता रही है कि इसका वो कैसे मज़ा लेती थी नीचे से, और इसको बनाते कैसे बेटा, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाएँ। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो बेटा उस टाइम पर ये गाना भी फेमस था, चना जोर गरम। ठीक है, उसके लेखिका के समय पर कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। अब इसका क्या मतलब है बेटा? कुछ बच्चे क्या करते थे उस टाइम पर, वो चना जोर गरम जो खाते थे उस पर खूब मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। वो अपना बचपन का मज़ा बता रही है बेटा, कैसे मज़े लेती थी चलते हुए, तुम सब खाते हुए जाते हो कई बार स्कूल से, तो वो ऐसे बता रही है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, फिर वो बोल रही है कि हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर यानी कि अपने से कुछ कम समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। ठीक है, उनकी बात फिर कभी और करेंगे, ये बोलना चाह रही है वो। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। फिर वो बता रही है कि क्या क्या होता था, क्या क्या वो महसूस करती थी, क्या क्या देखती थी। तो चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, और बेटा उस टाइम पर शाम के टाइम पर क्या होता है, सूर्यास्त होता है। फिर गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैलने लगते, देखते होंगे बेटा जब सूर्यास्त होता है तो कहीं पर लाल, कहीं पर नीला, कहीं पर अलग अलग तरीके का आसमान हमें दिखाई देता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते, तो जो दूर दूर फैले पहाड़ थे बेटा वो हमें बहुत ज़्यादा गहरे लगने लगते थे। ठीक है, देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक में के भी क्या कहने थे। तो वो याद कर रही है इन सब चीज़ों को। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल, और जो स्कैंडल पॉइंट था बेटा वहाँ पर भीड़ होती थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा शोर होता था। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे इसी से रिलेटेड, चलिए उनको करते हैं। देखो बेटा, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चों को फिल्म का कौन सा गाना आता था। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था, तो वो कौन सा गाना था? लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का यह गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम गाना आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। तो शिमला में जो लेखिका थी उसने कौन कौन से मज़े किए बेटा? तो शिमला में लेखिका ने अपने बचपन में खूब मज़े किए, जैसे कि वह शिमला के काफल, रस भरी, चना जोर गरम, अनारदाना, इनके बीच में कोमा लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे अनारदाना का चूर्ण, भुने हुए चेस्टनट, ठीक है, और ये यहाँ पर चना पापड़ी आएगा। ठीक है, चना पापड़ी आदि खूब मज़े से खाया करती थी, और साथ ही गिरजा मैदान घूमती थी और घोड़े की सवारी भी करती थी। ठीक है, ये सारे मज़े उसने किए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं, अपने मित्र भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखने हैं। तो जो भी आपके फेवरेट हो बेटा, जो आपने देखे हो वो सब लिख देना। तो यहाँ पर मैंने कुछ बताएं, कुछ एक दो आपको ऐड करने पड़ेंगे। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के भोजन प्रचलित हैं, जैसे छोले भटूरे, इडली, इडली डोसा, ठीक है, और इडली और सांभर डोसा। ठीक है, सांभर लिख लेना है यहाँ पर, इडली, सांभर डोसा, दही बल्ला, वड़ा पाव, ढोकला, फाफड़ा, उत्पम आदि प्रचलित हैं। दो चार और आप ऐड कर सकते हो नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें,
कि पाठ में कागज की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ और इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हो यह सोचकर लिखो। तो बेटा आप क्या क्या रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आपने बचपन में भी किया होगा और अभी भी, तुम तो खैर बचपन में ही हो तो तुम अभी भी करते होंगे। तो बेटा क्या कर सकते हो आप, तो इसमें हम इस तरीके से बनाई हुई इस पुड़िया में पॉपकॉर्न, नमकीन, भेलपूरी, चना आदि रख सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आपको याद आएँ तो आप वो भी लिख सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाठ में ऐसे शब्द छांटे जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने होंगे, तो बेटा वो कौन कौन से हैं, और भी हो सकते हैं तो आप वो भी लिख देना जो आपने पहली बार सुने हो आपको लग रहा हो। तो काफल हो गया, कसमल हो गया, स्कैंडल पॉइंट हो गया, चेस्टनट हो गया, ये सारे आपने पहली बार सुने होंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई सुने तो आप वो इसमें लिख देना। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट रहा हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।